आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। 608 करोड़ से एवेन्यू को मिला नया अवतार, पीएम मोदी का है ये ड्रीम प्रोजेक्ट। सीएम नीतीश कुमार बोले, सोनिया गांधी के विदेश से लौटने पर फिर आऊंगा दिल्ली, करूंगा मीटिंग। उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस से निपटने के लिए मलेशिया मॉडल पर काम करेगी योगी सरकार। इत्र कारोबारी पीयूष जैन कानपुर जेल से रिहा। एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक के लिए शुरू होगा इंटीग्रेटेड कोर्स, दिल्ली हाईकोर्ट करेगी सुनवाई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भूपेंद्र जैन का दिल्ली बीजेपी कल करेगी पुतला दहन। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आरएसएस सचिव ने मानहानि केस वापस लिया। महाराष्ट्र में आतंकी याकूब की कब्र पर बड़ा विवाद, मुंबई पुलिस के डीसीपी करेंगे जांच। यूपी के घोसी सांसद अतुल राय वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर हुए अचेत। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली मेट्रो सेंट्रल विस्ता के उद्घाटन के बाद इंडिया गेट जाने वालों को बस सेवा प्रदान करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। ब्रिटेन की महारानी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल सुपरविजन में नहीं। जापान और भारत जल संयुक्त लड़ाकू जेट अभ्यास करने पर सहमत हुआ। भारत में नए अवतार में लॉन्च हुई फ्रांसीसी निर्माता एसयूवी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज जीती, 100 रन भी नहीं बना पाई न्यूजीलैंड की टीम। यूक्रेन और उसके 18 पड़ोसी देशों को यूएस से मिली बड़ी सैन्य मदद, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई और तेज। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।